हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन या फिर एसएसटी आप कह सकते हैं, उसके टीचर की बात करेंगे। एसएसटी यानी सोशल साइंस का टीचर कैसे बनते हैं, क्या उसकी योग्यताएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन के साथ साथ कौन सी एग्जाम और पास करने पड़ेंगे, और एग्जाम को पास करने के लिए आप लोगों को क्या क्या स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, किन किन विभागों में एसएसटी टीचर की नौकरियां आती हैं, चाहे आप सीटेट और एसटेट जैसे क्वालिफाइंग एग्जाम की बात करें, चाहे डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, आर्मी स्कूल या फिर स्क्रीनिंग जैसे रिक्रूटमेंट एग्जाम की बात करेंगे, इन सभी पहलुओं पर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फिर हम बात करेंगे क्वालिफाइंग एग्जाम उसके बाद कौन सा होता है जिसे एलिजिबिलिटी टेस्ट मानते हैं, फिर उसके बाद आप कौन से विभागों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए सिलेबस क्या होगा, पढ़ना कितना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कौन सी किताबें बेस्ट हैं, कहां पे आप लोगों को तैयारी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर कहीं कोचिंग जाना चाहिए, लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर एकांत में बैठकर पढ़ना चाहिए, सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी अगर आप चाहते हैं, आप खुद चाहते हैं, आपका भाई बहन पत्नी बेटा कोई भी साथी अगर डिजिटल लाइन के अंदर आना चाहता है टीचिंग लाइन में, तो उसका इस वीडियो में बहुत स्वागत है और आप लोगों को इसका फायदा भी रहेगा, और इसके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारे हर वीडियो के अंदर आपको मिलता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बेसिक लेवल पर देखते हैं, अगर आप सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी टीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं, तो आज हम आप लोगों को इस विषय के टीचर के लिए योग्यताएं, इसके लिए पास करने वाले एग्जाम और उन परीक्षाओं को किस तरीके से पास किया जाए, इन सभी पहलुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे साथ मिलकर अच्छे से मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में आप लोगों का सिलेक्शन 101% होने की पूरी पूरी संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि हम आप लोगों को नए सिलेबस के आधार पर, पूरे सिलेबस के आधार पर और बेस्ट स्टडी मटेरियल के आधार पर तैयारी करवाएंगे, और जहां भी कंसेप्ट या डाउट आपको रहते हैं वो सभी आपके क्लियर करवाएंगे, और हर एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस सेट के द्वारा तैयारी भी करवाएंगे। तो अब देख लेते हैं स्टार्टिंग इसका। सबसे पहले आप बात करते हैं यहां पर योग्यता की, क्वालिफिकेशंस की। यानी अगर आप लोगों को टीजीटी एसएसटी का टीचर बनना है तो आपके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टीजीटी की। तीन प्रकार के लाइन होते हैं इसमें, एक होता है पीआरटी, एक होता है आपके पास टीजीटी और एक होता है आपके पास पीजीटी टीचर। पीआरटी जो है वो फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ तक होता है, टीजीटी जो है वो सिक्स से लेकर एट तक होता है, और नाइन से लेकर के ट्वेल्थ तक जो नया शेड्यूल है उसमें पीजीटी वाला फॉर्मूला होता है। हालांकि सभी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आज हम टीजीटी पैटर्न की बात करेंगे। छठी क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक के टीचर को आप टीजीटी टीचर बोलते हो, यानी ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के नाम से आप जानते हैं। अब इसमें एसएसटी की बात करेंगे, वो भी एक अलग मुद्दा है। सबसे पहले टीजीटी टीचर के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन प्लस बीएड का कॉम्बिनेशन है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ग्रेजुएशन के साथ तो कई सब्जेक्ट आएंगे, अब आपने या तो बीए कर रखा हो या आपने बीकॉम कर रखा हो या आपने बीएससी कर रखा हो। अगर बीए आपने कर रखा है या बीकॉम आपने कर रखा है तो आप लोग एसएसटी टीचर की लाइन में आएंगे, और अगर आपका बीएससी है तो फिर जो आप जाएंगे वो मैथ साइंस वाली लाइन में जाएंगे। एक तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपका बीसीए वगैरह है तो भी आप मैथ साइंस की लाइन में चले जाएंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। नॉर्मली जो बच्चे हैं ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर, या वो बीए करते हैं या वो बीकॉम करते हैं या वो बीएससी करते हैं, तो बीए और बीकॉम यानी आर्ट से लेकर और कॉमर्स से अगर आपने किया है तो आपका सोशल साइंस जो है वो बीएड के अंदर कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट रहेगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए मैथ साइंस होगा, एक तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, कई बार आपने बीकॉम किया है तो आपके पास कुछ सोशल सब्जेक्ट नहीं होते हैं और एसएसटी के लिए आपके पास सोशल सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसी स्थिति में आप लोगों को कुछ अलग से सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है जिन्हें आप लोग एडिशनल बोलते हैं। एडिशनल पेपर आपको देने पड़ते हैं और आपने एडिशनल सब्जेक्ट करना पड़ता है, जैसे एसएसटी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी,
ऐसे ऐसे सब्जेक्टों की ये मांग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कॉम्बिनेशन के लिए ये सब्जेक्ट अलग से करना पड़ता है। ये तो आपके लिए था, यानी आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होगी, ग्रेजुएट और उसके साथ आपका बीएड। अगर ग्रेजुएट के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो मोस्ट वेलकम, चाहे आप पीएचडी तक गए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेसिक क्वालिफिकेशन रहेगी वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड रहेगी। और उसके साथ अगर आपने, जैसे आपने हरियाणा में नौकरी करनी है तो उसके लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्टेट होना चाहिए। अगर आपको सेंट्रल लेवल पर करनी है केवीएस में, एनवीएस में, या फिर देश के यूनियन टेरिटरीज के अंदर बड़े बड़े शहरों के अंदर, तो उसके लिए ग्रेजुएशन बीएड तो है और उसी के साथ साथ आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। हम हर चीज को देखेंगे, सीटेट कैसे पास करें, क्या सिलेबस होगा, डीएसएसबी में कैसे जाएं, केवीएस में कैसे जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसका पता चलना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो इसी उलझन में रहते हैं। अगर हम हमारे बैचेज की, मेरे बैच की बात देख रहा हूं, तो पिछली बार जो मेरे बैच के अंदर टोटल जो 150 बच्चे सीटेट के बैच वन में थे, उसमें से टीजीटी के लिए, उसमें से लगभग 80 बच्चे वो थे जो बीकॉम करके आए थे और एमकॉम करके आए थे, और उन बच्चों को एसएसटी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के रूप में मिला था, और उन बच्चों को एसएसटी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो आज भी बच्चे इस उलझन में रहते हैं कि सर मैंने बीकॉम किया है तो मेरा सब्जेक्ट कौन सा रहेगा बीएड का कॉम्बिनेशन में। तो ये चीज आपको एक बार देखनी है। तो यहां ये चीजें आपकी क्लियर हो गई, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए और आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए जिस भी तरीके से आप एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो इसलिए आपके यहां पर सीटेट की जरूरत हम समझते हैं। उसके बाद अगर अगले स्टेप पर देखते हैं, तो पहले हम सीटेट की बात कर रहे थे तो सीटेट को ही ले लेते हैं। अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके साथ आपने बीएड भी कर लिया, अगर आपका कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था तो वो एडिशनल भी कर लिया, अब आप बोलोगे व्हाट कैन आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं, तो ऐसी स्थिति में आपको सेंट्रल लेवल पर अच्छे स्कूलों के अंदर, बड़े बड़े शहरों के जो बड़े बड़े स्कूल अच्छी सैलरीज वाले होते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हो, केवीएस और एनवीएस जैसे संगठन हो, डीएसएसबी जैसे बड़े बड़े बोर्ड हो, ऐसी जगह जाने के लिए आपका सीटेट होना चाहिए। और सीटेट जो होना चाहिए वो सीटेट 150 नंबर का होता है और 150 क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं, उसका ये सिलेबस जो आपको दिख रहा है ये आपको पास करना जरूरी होता है। इसको थोड़ा डिटेल में मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ये आपका सीटेट का पैटर्न है। 150 मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 150 ही नंबर के रहेंगे, यानी 150 एमसीक्यू और 150 मार्क्स के रहेंगे। 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, या आप कह सकते हैं 150 मिनट आपको दिए जाएंगे। और इसमें आप लोगों को, जैसे आपने देख लिया चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 नंबर का सीडीपी रहेगा, लैंग्वेज वन जो आपने चूज किया वो 30 नंबर का रहेगा, लैंग्वेज टू आपका 30 नंबर का रहेगा, और जो एसएसटी आपने चुना है वो आपका 60 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से 30, 60 और 30, 90 और 60, 150, ये 150 मार्क्स जो हैं ये इस तरीके से आपके रहेंगे। अब आप बात करते हैं सीटेट की, जो सीटेट है उसको सीबीएसई लेता है। आमतौर पर जब ये रूल बना तो ये कहा गया था कि साल में ये 2 बार होना चाहिए, एक साल में 2 बार तो ये होना ही होना चाहिए, लेकिन अगर पिछली बार की बात करेंगे तो ये 9 दिसंबर 2018 को हुआ था, उससे पहले 1.5-2 साल तक हुआ ही नहीं। 9 दिसंबर जब 18 को हुआ तो जनवरी में इसके रिजल्ट निकाले गए, और उसी के साथ जो अगला सीटेट था 7 जुलाई वाला जो अभी होगा, इसकी बात अगर करेंगे तो इसकी डिक्लेरेशन भी उस समय दे दी गई थी। ये हम जब 23 मई को आज भारत में लोकसभा के रिजल्ट भी आए हैं, आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं, अगर कोई बच्चा इसको अगस्त में जाके देखेगा लेट उसके पास पहुंचेगी, तो वो ये मत सोचने ना कि अगली बार की डेट कब आ गई है, हम 7 जुलाई 2019 के बेस पर इसको बना रहे हैं। लेकिन पैटर्न यह रहेगा, टीजीटी एसएसटी टीचर के लिए योग्यताएं यही रहेंगी, बेसिक क्वालिफिकेशन यही होगी, टेट एग्जाम्स यही होंगे, डीएसएसबी और केवीएस के नॉर्म्स यही होंगे, वो सारी चीजें आपके लिए कॉमन रहेंगी। तो अगर यहां देखते हैं तो जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, इसके लिए 30 नंबर का आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर बच्चे इसमें 20-22 एवरेज बच्चा पहुंचता है, और जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं या लड़कियां हैं आमतौर पर ये 28-29-30 नंबर तक भी पहुंच जाते हैं। तो अगर ठीक तरीके से हमारे जो स्टडी मटेरियल है उसमें 850 क्वेश्चन
सिर्फ एमसीक्यूज के ही हैं सीडीपी पर। हालांकि हर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन भी किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ 850 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में जब पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से, वो हम बच्चों को देते हैं ताकि उसको जो मैक्सिमम क्वेश्चन 30 हैं, 30 में से 25, 26, 24, 25 तो उनमें से आराम से मिल जाए, कुछ बच्चा अपने अंडरस्टैंडिंग और हमारे दूसरे मटेरियल से मेहनत करके कर सकता है। अगर लैंग्वेज वन की बात करेंगे तो 15 नंबर का अगर लैंग्वेज वन वैसे रहेगा और 15 नंबर की उसकी पेडागोजी रहेगी। जैसे मान लो आपका लैंग्वेज वन इंग्लिश है तो 15 नंबर की इंग्लिश का ग्रामेटिकल पोर्शन और 15 नंबर की इंग्लिश की पेडागोजी। दूसरा सब्जेक्ट अगर हिंदी में लैंग्वेज आपने हिंदी चुन लिया मान लो, तो 15 नंबर की हिंदी की ग्रामेटिकल और 15 नंबर का जो हिंदी का है वो पेडागोजी रहेगा। यानी लैंग्वेज वन और टू में आपका लैंग्वेज भी रहेगा और उसके साथ लैंग्वेज की पेडागोजी भी रहेगी। जैसे हम लोग जब बच्चों को स्टडी मटेरियल देते हैं तो इस तरीके से, जैसे यहां पर आपका लैंग्वेज वन हिंदी है तो हम हिंदी की पूरी ग्रामर बुक देंगे, उसके साथ साथ हिंदी की पेडागोजी देंगे, इंग्लिश का पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन देंगे, उसके साथ इंग्लिश की पेडागोजी देंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग ये देते नहीं हैं या फिर क्लासेज में पढ़ाते नहीं हैं और बच्चे को ये पेडागोजी पोर्शन छूट जाता है। और ध्यान से देखोगे तो 30 नंबर का आपका सीडीपी हो गया, 15 नंबर का लैंग्वेज में पेडागोजी हो गया, 15 नंबर का दूसरी लैंग्वेज में पेडागोजी हो गया, और जब सब्जेक्ट आपका 60 नंबर का जो आता है उसमें भी आपका 15 नंबर के आसपास सब्जेक्ट की पेडागोजी, जैसे एसएसटी है तो एसएसटी की होती है। तो इस तरीके से देखेंगे 30 और 30 आपका, 60 और 15 75, 75 नंबर का तो आपका यही हो गया भाई। और आप 150 नंबर का पेपर दे रहे हैं, 150 नंबर के पेपर में से अगर आप ये पोर्शन छोड़ देते हैं तो आपके नंबर आएंगे कहां से, आप पास कैसे करेंगे? तो इसलिए जब भी आप मेहनत करने बैठें पूर्ण सिलेबस के साथ बैठें, ताकि आपको वो सारा एरिया पता हो जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मैं डिटेल इसमें दे दूं अपनी स्टडी पोर्टल चैनल जो है वो आप लोगों को, जैसे एसएसटी की बात करेंगे तो एसएसटी के हर रोज वीडियो आती है हमारी, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा 1905 से लेकर के 1947 तक एक बड़ा पोर्शन मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है जो लगभग 2 घंटे की वीडियो है। उसमें से आपको 7-7, 8-8, 10-10 क्वेश्चन आमतौर पर ऐसे एग्जाम्स में मिल जाते हैं जिसको 1.5-2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी पिछले 2-3 महीनों में देख चुके हैं। तो आप कोशिश करें उसकी तरफ जाने की। पॉलिटी के सारे लेक्चर बनाए हैं, ज्योग्राफी के 22 टेस्ट मैंने डिस्कस कर रखे हैं, चैप्टर अलग हैं, और एसएसटी के भी 15 से 16 टेस्ट मैंने डाल रखे हैं। इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और सोशल साइंस या सामाजिक अध्ययन या एसएसटी की प्लेलिस्ट ढूंढेंगे तो आपको सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। दूसरी रही बात स्टडी मटेरियल की, अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, किसी बड़े शहर में आकर नहीं रह सकते, तो फिर आप लोग घर बैठे, या आप हाउसवाइफ हैं, या आप जॉब करते हैं, या आप घर में से बाहर नहीं आ सकते, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इस नंबर पर 8447410108 पर कॉल करके आप हमारा स्टडी मटेरियल को ऑर्डर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे भारत में 29 के 29 राज्यों और 700 केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा मटेरियल जाता है। अब सीटेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आपने सीटेट पास कर लिया तो उसके बाद आपके पास आता है कि आप अब अप्लाई कहां करेंगे, क्योंकि पहले आपने किया ग्रेजुएशन, फिर आपने किया बीएड, और अब आपने किया फिर सीटेट भी कर लिया। अब आप बोलेंगे मैंने क्वालिफिकेशन तो पूरी कर ली, अब मुझे यह भी तो बताओ कि मेरी नौकरी कहां लगेगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब दोस्तों आप लोगों को अलग अलग संगठन जो हैं वो वैकेंसीज निकालते हैं, जैसे डीएसएसबी दिल्ली का बोर्ड वैकेंसी निकालता है, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी आती है, एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन की आती है, आर्मी स्कूल्स की आती है, अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी आती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को अगला एग्जाम देने के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अभी डीएसएसबी की काफी वैकेंसी आने का जिक्र हम सुन रहे हैं, तो यहां पर अगर डीएसएसबी के लिए जाएंगे तो डीएसएसबी के अंदर टीजीटी एसएसटी का फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई होने के बाद आपके लिए एक एग्जाम होगा। इस एग्जाम के 2 पोर्शन बनाए गए हैं, यह है पोर्शन नंबर 1 और यह है पोर्शन नंबर 2। पोर्शन नंबर 1 में 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस यानी करंट जीके और करंट अफेयर आ जाएगा, 20 नंबर का आपका मैथमेटिक्स आएगा, 20 नंबर की रीजनिंग आएगी, 20 नंबर की हिंदी लैंग्वेज आएगी, 20 नंबर की इंग्लिश आएगी। ये 100 नंबर का आपका पोर्शन 1 है। इसमें से आपको जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो कम से कम आपको 40 नंबर चाहिए, यहां पर दोनों सेक्शन में पास आउट जरूरी है। उसके बाद आपका जो दूसरा है पोर्शन है, पेपर एक ही रहेगा, पोर्शन 2 बनाए हैं। दूसरा पोर्शन आपका 100 नंबर का है, या आपका सब्जेक्ट का है, या आपका एसएसटी आएगा। इसमें से लगभग
85 नंबर के आसपास जो है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी ये रहेगा, और लगभग 15 से लेकर के 16-17 नंबर तक आपको एसएसटी की पैडागोजी और उसका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। तो ये चीज आपको यहां पर देखनी है। तो यहां अगर आपने सीटेट नहीं किया है तो सीटेट पे फोर्स लगाइए, पूरी सीटेट को पास कीजिए। जैसे ही सीटेट निकल जाएगा तो आप लोग अप्लाई करने के लायक हो जाएंगे, अदरवाइज ऐसा ना हो कि पीछे भी सीटेट हुआ आपका नहीं हो पाया, अब भी सीटेट आ गया, फिर बीच में वैकेंसी आएंगी और दोबारा सीटेट हो सकता है कि बोर्ड कब जाकर ले, तो इस सीटेट के तुरंत बाद वैकेंसीज आपको अलग अलग सेक्टर में मिलेगी, चाहे डीएसएस भी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो और चाहे दूसरे स्टेट हो, तो ये भी आपको देखना है। तो ये चीजें आपकी थी डीएसएसबी के लिए। अच्छा, हमारे पास बात करेंगे, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आर्मी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एस्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं हर एग्जाम के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इसके लिए आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए आप लोग बेझिझक होकर के हमसे बात कर सकते हैं। फिर अगर आपने डीएसएसबी के लिए अप्लाई किया और मान लो आपने सोचा कि कहीं और कहां अप्लाई करूं, फिर आप केवीएस में अप्लाई कर सकते हैं। केवीएस के अंदर भी टीजीटी एसएसटी की पोस्ट आती है, काफी सारी पोस्ट बार बार आती है, अब की बार भी 100% चांसेज मान के चलते हैं लोग और हम भी मानते हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने बताया था कि ये 5-6 टाइप की वैकेंसी आएंगी वो सारी हुई, और अब की बार भी ये अनुभव के आधार पर लगभग 8 से 9 सालों से मैं टीचिंग लाइन के अंदर हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी मैंने किया और दिल्ली और गुड़गांव के बड़े बड़े सेंटरों में पढ़ाया, और अब अपने सेंटर के थ्रू लाखों बच्चों को लाइव और बाकी बच्चों को क्लासेस के थ्रू जो स्टडी हम करवाते रहते हैं, उससे मुझे भी ये लगता है कि समय समय पर यह वैकेंसियों का रोटेशन होना जरूरी होता है। अगर केवीएस की बात करेंगे तो यहां भी आपके लिए 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 150 ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें पार्ट वन में जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और करंट अफेयर का पोर्शन होता है, हिंदी 15 नंबर की, इंग्लिश भी 15 नंबर की और 40 नंबर का करंट अफेयर का। जीए करंट अफेयर तो अकेला नहीं कह सकते, इसमें सीए और जीए जनरल अवेयरनेस दोनों का पोर्शन होता है। 40 नंबर का आपका रीजनिंग एबिलिटी, 40 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपका टोटल जो मिलाकर के 150 नंबर होता है। इसमें आप कहेंगे सर यहां एसएसटी नहीं है, केवीएस में टीजीटी का जो सिलेबस पिछली बार बदला है उसमें सब्जेक्ट कंसर्न नहीं होता टीजीटी में, लेकिन एसएसटी वाले बच्चों के लिए फायदा क्या होगा, जो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ा है वही जो पोर्शन है वो यहां जनरल अवेयरनेस में जीके जीएस में पूछा जाता है। इन 40 नंबर में से लगभग 30 नंबर 32 नंबर पोर्शन उससे होते हैं, 5-7 करंट अफेयर बड़ी मुश्किल से होती है। तो ये आप लोगों के लिए केवीएस में फायदा रहेगा, यानी अगर आप लोग टीचिंग लाइन में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, या आपका कोई साथी है, दोस्त है, भाई है, बहन है, बेटी है, कोई भी है, तो उसके लिए सुनहरा मौका इस लाइन के अंदर है, और एक सोशल इश्यूज से जुड़ करके आप लोग देश को डेवलप भी कर सकते हैं, अपनी अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं और लाइफ का जो गोल था उसको पाकर के अच्छे से जी सकते हैं। तो ये आपका यहां का पोर्शन इसमें दिख रहा है। इसी के साथ साथ जितने भी स्टडी मटेरियल रोज बच्चे लेते हैं, अगर आज की बात करूं, मैंने कल अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाया था कि मेरे पास लगभग आज के समय अगर बात करेंगे तो 97,000 से ज्यादा बच्चे व्हाट्सएप जो पोर्टल है, स्टडी पोर्टल का व्हाट्सएप पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर हैं, और इन 97,000 बच्चों में से कल मैंने एक स्टेटस लगाया था कि सबको एक ही मटेरियल जब भेजा जाता है कभी यार तो बड़ी दिक्कत होती है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर मैं तो साइंस का हूं, मुझे एसएसटी क्यों भेज रहे हो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरा तो पीआरटी है, मुझे एसएसटी क्यों भेज रहे हो, कुछ एसएसटी वालों को साइंस चलता हूं, मुझे साइंस क्यों भेज रहे हो। तो इसलिए कल मैंने स्टेटस लगाया था कि बेटा जिन बच्चों के पास, जिन बच्चों का सब्जेक्ट एसएसटी टीजीटी है वो मुझे एक बार मैसेज कर दें एसएसटी लिख करके। और आप सोचेंगे इन 97,000 बच्चों में से 7,750 बच्चों के पास एसएसटी है, जिन्होंने अपने व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमें बताया कि सर हमारे पास एसएसटी है, और उनके लिए अलग अलग ब्रॉडकास्ट ग्रुप, ब्रॉडकास्ट नोट ग्रुप, ग्रुप कोई बच्चा ग्रुप के लिए मैसेज ना करे, क्योंकि ग्रुप में हाय हेलो चैटिंग ये उसके इधर के, कभी आप किसी देवता की फोटो भेज देंगे, कभी आप किसी नेता की भेज देंगे, कभी किसी कोई कार्टून भेज देंगे, वो चीजें हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वी आर रनिंग ओनली स्टडी पोर्टल ग्रुप फॉर ओनली टीचिंग पोर्शन एंड स्टडी पोर्शन, नो हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर आप लोग भी एसएसटी के बच्चे हैं, या फिर जिन बच्चों ने पहले भेज दिया वो दोबारा ना भेजें, अगर आप बाहर से हैं या आप अभी नए जुड़े हैं तो आप लोग अपना नाम, सिर्फ नाम, और उसके साथ एसएसटी लिख सकते हैं, सिर्फ नाम और एसएसटी, दो ही, हाय हेलो का टाइम नहीं है। कुछ बच्चे मैसेज ऐसे करते हैं, पहले मैसेज करेंगे हाय,
फिर अपना नाम बताएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अपना सिटी लिखेंगे, यानी बिना वजह के 11 मैसेज या 12 मैसेज अपने आप कर देंगे, लेकिन वो एक ही सेंटेंस में सारी चीजें समा सकती हैं, ताकि उससे डिस्टर्बेंस सामने वाले को भी ना हो, और इसी वजह से कुछ बच्चों को ब्लॉक भी कई बार करना पड़ जाता है, उसके लिए समा चाहेंगे एडवांस में। तो ये चीजों दोस्तों आज के बारे में सारी बातें थी। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सीटेट आपका नजदीक आ रहा है, उसके साथ डीएसएसबी की खबरें हैं, केवीएस आने वाला है, एनवीएस ने पीजीटी निकाल दिया था, पीआरटी और टीजीटी इस साल के लास्ट से पहले पहले जरूर आएगा, तो ये सारी चीजों के साथ जुड़े रहें। और अगर आप लोग नए साथी आए तो चैनल सब्सक्राइब तो बनता है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस नंबर पर कॉल करके अपना मेटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी वेल्थ अच्छी रहे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।